आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पकोड़े। वैसे तो गोभी के पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी भी है, लेकिन अपना अपना एक स्टाइल होता है और मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी के पकोड़े बनाना और देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ गोभी के पकौड़े। तो गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी, और ये मैंने लिया है बेसन, यहाँ पे मैंने लिया है कुछ धनिया के पत्ती और कुछ कड़ी पत्ती, इसको मैंने काट लिया है, राइस फ्लोर चावल का आटा, और मसालों में मैंने लिया है अजवाइन, कलौंजी, सूखी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक थोड़ा ग्रेट कर लिया है, हल्दी, नमक और लहसुन। तो ये सब चाहिए, और फ्राई करने के लिए तेल। गोभी को यहाँ मैंने छोटे छोटे करके कट कर लिया है और इसको मैंने भिगो लिया था 10 मिनट के लिए हल्दी वाले पानी में। तो आप भी ऐसे कीजिए, अगर इसमें कोई कीड़ा या और कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए मेरा जो पहला स्टेप है वो है लहसुन और रेड चिल्ली को मुझे पेस्ट बनाना है, लेकिन मुझे फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। तो पेस्ट अभी रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा टेक्सचर हमें चाहिए। तो हमें कुछ इस तरह से चाहिए, ये क्रश किया हुआ है, फाइन पेस्ट नहीं है, तो इसी टाइप का चाहिए। और ये गोभी के पकौड़े में ये ही मेन इंग्रेडिएंट है, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। गोभी में मिलाते हैं बेसन, राइस फ्लोर, राइस फ्लोर से पकौड़े कुरकुरे होते हैं, और मैं यहाँ पे कोई भी मतलब सूजी नहीं मिला रही हूँ और सोडा भी नहीं मिला रही हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप मिला सकते हैं। और ये रहा धनिया के पत्ती और कड़ी पत्ती, सारे मसाले, ये वाला पेस्ट। तो ये अभी हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको अभी हम फ्राई करते हैं। अभी तेल गरम हो गया है, अभी हम डालते हैं पकौड़ों को। अभी फ्लेम ज़्यादा है, एक साइड पलटने के बाद हम फ्लेम को कम कर लेंगे। अभी फर्स्ट बैच हमारा हो गया है, इसको अभी निकाल देते हैं। अभी हमारे पकोड़े रेडी हैं, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। और इसको मिला देंगे।
आज का मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ और एक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।